हेलो राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का समय है और सुबह उठते ही जो है ना मेरा काम हो गया है शुरू, क्योंकि आज मैंने सोच रखा है मन में कि अपनी अलमारी को जो है ना मैं ठीक करने वाली हूँ। ठीक तो मैं आए दिन करती रहती हूँ, क्योंकि घर में जो हमारे कपड़ों की अलमारी होती है वो बहुत ज़्यादा बिठलती है और मेरी तो बहुत ज़्यादा ही होती है। मतलब कहीं से कपड़ा निकाला, कहीं खुर्स दिया, तो मेरी तो बहुत ज़्यादा फैलती है। लेकिन मुझे अपनी अलमारी में जो मेरे मतलब के कपड़े नहीं है ना, उनको मुझे हटाना है। तो एकदम बहुत बढ़िया से जो है ना मेरे को अपनी अलमारी एकदम बढ़िया से ऑर्गेनाइज करनी है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि कपड़े मुझे सारे छांटने हैं, जो कपड़े मैं पहन नहीं रही हूँ उनको मुझे ठीक करवाना है। तो बहुत छोटे छोटे से काम है, तो मैं एक एक पोर्शन को सही करूँगी, मैंने ये सोच लिया है। बहुत एक ही दिन में ठीक नहीं करूँगी, अगर एक दिन में ठीक करने बैठ गई तो घर का काम, बाकी जो घर का काम होता है ना वो अधूरा रह जाएगा, जैसे कि खाना बनाना, घर के छोटे मोटे काम करना, पूजा पाठ, वो सब रह जाएगा। तो सुबह सुबह क्या किया, मैंने एक इसका जो लंबा वाला पार्ट है ना इसको अकेला ठीक किया है। जो मेरे प्रेस के कपड़े थे वो मैंने सारे अभी सुबह के टाइम प्रेस किए हैं, और कुछ जो है ना कुछ कपड़ों की होती है ना सिलाई वगैरह निकल जाती है, तो कई घर में छोटे छोटे से काम होते हैं, तो बस मैंने एक हिस्से को ठीक किया है और बाकी काम जो है ना मैं जब मैं फ्री होंगी रात में तब जाकर करूंगी। तो बहुत ज़्यादा कपड़े तो खैर मेरे पास नहीं है, अब मुझे ऐसा लगने लगा है, क्योंकि जब मैंने कपड़ों को छांटा ना तो बहुत कम कपड़े हैं। बस ऐसे ही बुरी तरह से मेरी अलमारी भरी हुई थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास इतने ज़्यादा कपड़े हैं, और जब मैं कहीं जाती थी तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या पहनूं, क्योंकि आधे से ज़्यादा कपड़े मुझ पर आ नहीं रहे थे, क्योंकि मेरा वेट बढ़ चुका है। ये सारी चीज़ों को देख कर जो है ना मेरा मन अंदर से जो है ना बड़ा चिचहाट वाला हो रहा था। अलमारी बहुत बुरी तरह से फैली थी, कपड़े मुझे आ नहीं रहे थे, तो अंदर से ना अजीब सा मतलब एक चिचड़ाहट थी। तो फिर मैंने सारे कामों को छोड़कर सबसे पहले मैं अपनी अलमारी ठीक करूंगी और अपनी अलमारी में रखे हुए कपड़े ठीक करूंगी, क्योंकि अगर हमारे मन के अंदर चिचड़ाहट होती है ना तो हम कोई भी काम तरीके से कर ही नहीं सकते। और बस मैंने अपने कपड़े एक से किए हैं, जिन कपड़ों की मुझे सिलाई निकालनी है वो मैं सिलाई निकालूंगी, और धीरे धीरे कोशिश करूंगी कि अपने वेट को उसी टारगेट पर लेकर आऊँ जैसे कि मेरा पहले था। हाँ, चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ जाती हैं, उनको हम टारगेट लेकर आएंगे धीरे धीरे करके, उनको अपनी पटरी पर जो है ना लेकर आना है, और बिना कोई टेंशन लिए, बिना कोई दुख मनाए। तो बस यहाँ पर जो है ना सारे कपड़े, और ये वाला सूट जो है ना बड़ा प्यारा सूट है, ये जो है ना पंजाब से लेकर आए थे पंडित जी मेरे लिए। और एक बात बोलूँ, ज़्यादा महंगे कपड़े हम ले तो लेते हैं लेकिन ज़्यादा पहनते नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है ना साड़ी का रिवाज ज़्यादा है, हम लोग साड़ी ही पहनते हैं, यही हमारा जो पहनावा है वो साड़ी है। सूट हम लोग तो बस ऐसे अपने कम्फर्टेबल के लिए पहन लेते हैं, तो जब भी कभी कोई खास मौका होता है तो साड़ी ही पहनने को होती है, सूट तो हम लोग पहनते ही नहीं है। इसलिए अब मैंने सोच लिया है ज़्यादा भारी सूट जो है ना मैं नहीं लिया करूँगी, क्योंकि दो दो तीन तीन साल निकल जाते हैं और वो सूटों को पहनने का जो है ना मौका ही नहीं आता है। तो बस यहाँ पर जो है ना ये वाली जो है ना मैंने कुर्ती अभी कुछ दिनों पहले ही सिलवाई थी, और इसका जो है ना कोई मुहूर्त ही नहीं आया, इसको मैंने अभी पहना ही नहीं है। सोच रही हूँ दिवाली वाले दिन मैं पहन लूँगी, रात में तो मैं साड़ी पहनूंगी, तो दिन वाले दिन पहन लूँगी इसको। तो मुझे ना कपड़ों का बहुत शौक है, तरह तरह के कपड़े जो है ना मैं लेती रहती हूँ। अभी तो क्या मैं घर में उलझ गई हूँ, अभी बस मेरा दिमाग एक ही चीज़ में चलता है कि मुझे घर के लिए सारा सामान लेना है। बस इसके बाद मैंने नहाया, आप सब भी जो है ना हमारे साथ आरती में शामिल हो जाइए। सबसे पहले बेटू ने आरती की, उसके बाद मैंने की, तो हम दोनों जो है ना जब बेटू जिस दिन स्कूल नहीं जाता ना हम दोनों सुबह की आरती साथ में करते हैं। वैसे शाम की तो हम दोनों की फिक्स ही है, हम दोनों मिलकर आरती करते हैं। और प्लीज कृपया करके अपने बच्चों को पूजा पाठ में ज़रूर शामिल कीजिए, क्योंकि उसी से तो ना उनको ये सारी संस्कृति जो है ना सीखने के लिए मिलती है। अगर इन सारी चीज़ों को हम अपने अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं ना तो अपने बच्चों को सिखाइए कि इस तरह से बेटा पूजा की जाती है, बहुत ज़रूरी है। तो बस साथ में हम लोगों ने पूजा की है, इसके बाद बस मैं भूख के लिए सोच रही हूँ आज हलवा बनाऊंगी, तो आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूंगी। और हाँ, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि अखंड दीपक को मैं किस तरह से ठीक करती हूँ। अगर आपकी अखंड बाती जो है ना बार बार बुझ जाती है, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं ये बाती जो है ना बस अब 2-4-5 मिनट के बाद जो है ना बुझने वाली है, तो मैंने फटाफट कैमरा ऑन किया और आपको लाइव दिखाने वाली हूँ कि किस
इस तरह से मैं बाती को ठीक करती हूँ। सबसे पहले मैंने एक बाती ली, घी में डुबोई हुई बाती, और इस बाती से जो है ना मैंने बाती को प्रज्वलित कर लिया। बाती से जब बाती चलाई जाती है तो वो बाती जो है ना उसी बाती की हो जाती है, यानी माता रानी की जोत जो है ना अब इस बाती में आ चुकी है। तो क्या करूँगी अब जो है ना, इस बाती को मैं इस चिमीटी से ठीक करूंगी। अगर चिमीटी से ठीक करते समय बाती अगर आपकी बुझ जाती है तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, क्योंकि आपकी जो ज्योति है, माता रानी की ज्योत जो है ना, वो उस बाती में जल रही है। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और बिल्कुल दिमाग में मत लेना कि हमारी ज्योत जो है ना बुझ गई है, क्योंकि हमने साइड में ना उसी बाती से बाती जला रखी है, और इस बाती को ठीक करने के बाद सेम उसी बाती से उस बाती को जो है ना हम प्रज्वलित कर लेंगे। तो इस तरह से जो है ना आप अपनी बुझती हुई अखंड बाती जो ज्योति है आपकी, उसको आप ठीक कर सकते हैं, और बाद में इसको वो जो है ना उसको बंद कर दें। तो इस तरह से जो है ना माता रानी की मैं अखंड दीपक का ध्यान रखती हूँ, और जब बाती में फूल आ जाता है ना तो कुछ देर बाद जो है ना बाती बुझने से लगती है, क्योंकि ऊपर जो है ना एक काला काला सा फ्लावर टाइप का आ जाता है। तो उसको आप हटा दीजिए चिमीटी से, और उसके बाद जो है ना आपकी बाती फिर से ठीक चलने लगेगी। और इस तरह की चिमीटी कहाँ मिलेगी, तो इस तरह की चिमीटी आपको बर्तन की शॉप पर मिल जाएगी, या फिर जो भजनलाल पसारी होते हैं, पसारी की दुकान होती है जहाँ पर पूजा पाठ का सामान मिलता है, वहाँ पर भी जो है ना मिल जाएगी। जब भी आप अपने घर में अखंड दीपक जलाएं तो उसको बाती तक जो है ना तेल या घी जिसका भी आप जला रहे हैं बाती तक उसको भर के रखना है, तभी आपकी बाती बढ़िया से जलेगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो तिली का तेल है वो थोड़ा नीचे तक आ गया है, तो मैं सोच रही हूँ इसमें अब और ज़्यादा तेल जो है ना डाल दूँ। कुछ लोग बोल रहे थे दीदी आप सरसों के तेल का दीपक जलाती हूँ, नहीं मैं तिली के तेल का दीपक जलाती हूँ। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो तिली का तेल जो है ना, 1 किलो तिली के तेल में जो है ना 9 दिनों की बाती आपकी आराम से जल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और बाती की लौ थोड़ी सी कम कीजिएगा तो सही रहेगी, एक तो आपका घर जो है ना थोड़ा सा कम काला होगा, क्योंकि जब तेल का या घी का हम दीपक जलाते हैं तो लौ थोड़ी सी ज्यादा तेज होती है और काला काला आपके घर में ज्यादा हो जाता है। तो इसको जो है ना बाती के ऊपर तक जो है ना मैंने भर दिया है, इससे जो है ना बढ़िया जलती है और मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आती है, सब ठीक ठाक से। वो जो मैंने आपको दिखाई थी ना रुई की बाती, वही बाती जो है ना इसमें लगी हुई है और आराम से बढ़िया से जल रही है। माता रानी की सब कृपा है, मैं तो जाना देख रेख नहीं कर पाती हूँ, लेकिन सब ठीक ठाक चल रही है। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी बाती बुझने वाली है तो इसी तरह से आप ठीक कर लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और सब कुछ माता रानी पर छोड़ दीजिए, सब अगर छोटी मोटी दिक्कत हो भी जाती है ना उसके लिए माँ बैठी हुई है। राधे राधे, जय श्री राधे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय श्री राधे, जय माता दी।